नमस्कार, मैं ज्ञानू चौधरी, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 24। दोस्तों, इस समय हम मौजूद हैं कानपुर भर्ती स्थल पर और आज भर्ती प्रक्रिया का 19वां दिन है। आज 7 नवंबर को कानपुर देहात और कानपुर नगर जिले के अभ्यर्थी अग्निवीर बनने का सपना लेकर यहां आए थे, लेकिन निर्धारित समय में 1600 मीटर की रनिंग क्वालिफाई नहीं कर पाए, जिसकी वजह से इन्हें बाहर कर दिया गया है। अभी क्लर्क ग्रेड के अभ्यर्थी जस्ट आए हैं, इनसे बात करते हैं कि आज क्लर्क ग्रेड में क्या हाल रहा। आज आखिरी बैच क्लर्क ग्रेड का दौड़ाया गया था, सारी बात इनसे करने वाले हैं। कितने बंदे थे आज आपके बैच में? 300। इन्होंने रनिंग क्वालिफाई की? रनिंग क्वालिफाई की भाई 25 ने। 25 ने तो समय ठीक दिया, इसका मतलब अच्छा दिया, बहुत अच्छा दिया समय। तो आप चार चक्कर लगा पाए? नहीं लगा पाए। नहीं, मैं फर्जी था। फर्जी यानी दूसरी बार हाईस्कूल? मैं आगे चल रहा था, मैं दूसरी बार हाईस्कूल किया था और सर ने बोला दो बार जिसने हाईस्कूल कर रखी तो अंदर मत आए, तो मैं चौथे चक्कर में बैठ गया, फिर आगे चल गया। यानी अगर तुम चाहते तो रनिंग क्वालिफाई कर सकते? तो भाई मैं 4 बार क्वालिफाई कर चुका अभी। कौन कितनी भर्ती देखी है आपने अभी तक? मैंने अभी तक 6 भर्ती देखी। 6? कितनी बार रनिंग क्वालिफाई की? 4 बार। 4 यानी पहली बार हाई स्कूल करके। तो फाइनल सिलेक्शन कैसे नहीं हो पाता है? फाइनल सिलेक्शन अंडर हाइट में नहीं हुआ, जीडी देखते रहे अभी तक। अच्छा जी, 4 बार जीडी में देखा। हाइट कितनी है तुम्हारी? 168.5। यानी एंट्री के समय तो बैठा लेते हैं, रनिंग क्वालिफाई के बाद डिस्क्वालीफाइड कर देते हैं। तो अभी दूसरी बार हाई स्कूल करके पहली भर्ती होगी आपकी? जी। तो जो दूसरी बार हाई स्कूल करके आ रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहोगे? उनके लिए कहना चाहता हूँ भाई, ना तो दोबारा से हाई स्कूल करिए, जो युवा पीछे वाले हैं वो भी असफल ले जाते हैं हमारे और आपके चक्कर में, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा दोबारा हाई स्कूल मत करें और अग्निवीर के लिए अवसर ये छोड़ दें, ये अवसर नहीं मिलेगा दोबारा हाई स्कूल वालों के लिए। अब तो भूल जाएँ दूसरी बार हाई स्कूल वाले। मैं भी भूल गया भाई, दूसरे क्यों कहूँ। बिल्कुल 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 सही बात कही है भैया ने, ये क्लर्क ट्रेड में दौड़े थे लेकिन दूसरी बार हाई स्कूल करके आए थे। लगभग 300 प्लस अभ्यर्थी आज यहाँ पर क्लर्क ट्रेड में उपस्थित हुए, सबका एक बैच बना के उन्हें दौड़ाया गया। लगभग भाई बता रहे हैं कि 25 के लगभग बच्चों ने रनिंग क्वालीफाई की और ये भी बहुत अच्छा चल रहे थे बैच। अब इनका बना था, आगे नंबर था आपका? बिल्कुल आगे था। तो आगे नंबर था तो बहुत अच्छे तरीके से दौड़ते रहे। टोटल 6 भर्तियाँ देख चुके हैं, पहली बार हाई स्कूल की थी तब जीडी ट्रेड में देखते थे, तो इनकी 168.5 सेंटीमीटर हाइट है। एंट्री के समय तो ये अपनी हाइट जैसे तैसे करके बिठा लेते हैं, लेकिन अंदर रनिंग क्वालीफाई के बाद वहाँ एक्चुअल हाइट नापते हैं तो वहाँ इन्हें डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाता था। इस बार इन्होंने दूसरी बार हाई स्कूल करके क्लर्क ट्रेड में रजिस्ट्रेशन कराया, भाग भी लिया, दौड़ने का मौका भी मिला, लेकिन जानबूझकर रनिंग क्वालीफाई नहीं की, क्योंकि उन्हें पता है अगर रनिंग क्वालीफाई कर लेते पुराना सारा डाटा खुल जाता, फिर इन्हें पनिशमेंट दिया जाता। तो इन्हें बहुत अच्छी समझदारी दिखाई। साथ ही मैं भी यही कहना चाहूँगा कि जो अभ्यर्थी अग्निवीर भर्ती देखने के लिए दूसरी बार हाई स्कूल करने का प्रयास कर रहे हैं तो वो बिल्कुल भी ना करें, आपको कोई भी लाभ उससे मिलने वाला नहीं है, क्योंकि अब काफ़ी ज़्यादा सिस्टम में चेंज हो चुका है, ऐसा सॉफ्टवेयर फौज के पास अब आ चुका है। अगर आप दूसरी बार हाई स्कूल करके यहाँ भर्ती में शामिल होते हैं तो आपका और आप रनिंग क्वालीफाई कर लेते हैं, वैसे तो वो कोशिश करते हैं कि रनिंग से पहले ही पकड़ में आ जाएं दूसरी बार हाई स्कूल करने वाले, लेकिन कैसे भी किसी भी कारणवश बच्चा अपनी चालाकी से बच जाता है उनकी नज़रों से और वो दौड़ लेता है, और दौड़ने के बाद रनिंग क्वालीफाई कर लेता है तो उसकी बायोमेट्रिक होती है और बायोमेट्रिक होते ही उसका पुराना सारा डाटा खुल जाता है कि उसने कितनी बार रजिस्ट्रेशन कराया है, कितनी भर्तियाँ देखी हैं, कहाँ कहाँ देखी हैं, तो उसके बाद उसे बहुत बुरी तरीके से पनिशमेंट दिया जाता है और पनिशमेंट देने के बाद उसे फिर डिस्क्वालीफाइड करके घर भेज दिया जाता है, तो फिर उसे कोई भी लाभ नहीं मिलता है। इससे अच्छा तो जो बेचारे जो पहली बार हाई स्कूल करके आए फ्रेशर हैं उन्हें कम से कम दौड़ने का मौका अच्छा मिले, रनिंग क्वालीफाई करने का मौका मिले, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि दूसरी बार जो हाई स्कूल करके आते हैं अनुभवी होते हैं और जो पहली बार जो हाई स्कूल करके जो पहली भर्ती देख रहे हैं उन्हें अनुभव नहीं रहता है, तो बेचारा उनका ही नुकसान होता है। कितने बच्चे दौड़ाए थे भैया क्लर्क में आज? लगभग 300 के थे। 300 आए थे, एक ही बैच बना था। हाँ, एक ही बैच। इधर आओ। कितने बच्चों ने रनिंग क्वालीफाई की? 14। सिर्फ 14? 14। तो क्या कमी रह गई आपसे? कमी ये रह गई लास्ट में थे, लास्ट में नंबर था, पीछे लगे थे। पीछे थोड़ा बहुत टाइम मिलता तो क्वालीफाई कर लेते। कितनी दूर रह गए तुम रस्से? लगभग 30 या 40 मीटर। आप भी भैया क्लर्क में दौड़े थे? तो क्लर्क में दौड़े आप दौड़े थे? कितने बच्चों का बैच था भैया क्लर्क में? 300 बच्चों। आप क्लर्क में दौड़े थे भाई? दौड़े थे। कितने का था? 300। 300। और कितनों ने की रनिंग क्वालीफाई? 14-15। तो 4 चक्कर कंप्लीट कर पाए या नहीं? पूरे 4 किए अपने। पूरे कितनी दूर रह गए रस्से से? 100 मीटर दूर थे। 100 मीटर। हाँ, तब तक आप बोल गया, क्या करें फिर? कौन सी भर्ती है ये लाइफ की? पहली, फर्स्ट। क्या सीखा आज आपने? अरे मेहनत करो, क्या सीखा? मेहनत करो सब कुछ। आप कौन सी में दौड़े भैया?
किस स्टेट में दौड़े? क्लर्क। कितने बच्चों का बैच बना आज क्लर्क में? वही 450 से ऊपर बच्चा था क्लर्क में, सबसे ज्यादा क्लर्क बैच में बच्चा था। सबका एक ही बैच बनाया? हाँ, एक ही बैच बना था क्लर्क का। कितनों ने की रनिंग क्वालिफाई? वही 14-15 बच्चे पकड़े गए बस। तो आप चार चक्कर कम्प्लीट कर पाए? नहीं कर पाए। नहीं, तीसरे चक्कर में हमने बंद कर दिए थे क्योंकि बहुत पीछे हो गए थे। कौन सी भर्ती है लाइफ की? ये हमारी पहली भर्ती है आर्मी। क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या सीखा आज आपने? यही सीखा कि अगर सच में अगर सही से तैयारी कर रहे हो तो अच्छे से प्रैक्टिस करो, इसके बाद ग्राउंड में आओ। आपने की थी प्रैक्टिस? मैंने प्रैक्टिस कम की थी, मैं पहले एनडीए की प्रिपरेशन कर रहा था काका देव कानपुर में, इस वजह से मतलब रनिंग इतनी अच्छी थी नहीं। तो आप पढ़ाई में अच्छे हो, पढ़ाई में आपका मन भी लग रहा है, तो फिर आपने फिजिकल की तरफ यानी आर्मी की तरफ कैसे रुख किया? बस यही दोस्त यार सब देख रहे थे तो मेरा भी मन किया कि एक बार देखते हैं रनिंग करके। अब आपने एक बार देख ली तो ट्राई आगे करोगे, तैयारी बरकरार रखोगे? स्टॉप बिल्कुल, इस बार अच्छे से प्रिपरेशन करके और फिर ग्राउंड में आऊँगा अगर नेक्स्ट भर्ती आई तो, है ना? जी। नहीं तो फिर पढ़ाई की तरफ रुक करो। नहीं, पढ़ाई की तरफ तो रुक अभी भी है, इसी वजह से रनिंग क्वालिफाइड नहीं है। एसएससी जीडी में भी आई है, उसमें भरो फॉर्म। जी जी, उसमें डालेंगे, अभी डाला नहीं है मैंने। डाल दो, क्योंकि लास्ट डेट में क्या है कि बिजी हो जाती है। आप भी दौड़े थे? जी। क्लर्क में? नहीं, जीडी में। जीडी में कौन से बैच में? सातवें राउंड में। आपका भी नहीं हो पाया है? आपकी कौन सी भर्ती है? पहली है। क्या अनुभव रहा आपका? यही अनुभव यही है, सब देख रहे हैं आराम से, क्या देखा हमने सोचा जो होगा देखा जाएगा। आज की भर्ती समाप्त हो चुकी है, आज पहले पहला बैच जीडी का दौड़ा था और आखिरी में क्लर्क ट्रेड का दौड़ा है और 10 नवंबर तक कंटिन्यू भर्ती प्रक्रिया चलने वाली है। पल पल की खबर हम आप तक आपको दिखाते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। मेरे सहयोगी पुनीत शर्मा के साथ मैं ज्ञानू चौधरी, इंडिया न्यूज 24। ऐसी ही शानदार खबरें सबसे पहले देखने के लिए इंडिया न्यूज 24 चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबाएं।